गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज हम आगे बढ़ेंगे और इवोल्यूशन के ही कॉन्सेप्ट को और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बच्चों कल मैंने आपको बताया था अडप्टिव रेडिएशन के बारे में कि क्या होता है कि कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि एक ही एंसेस्टर से ओरिजिनेट होते हैं लेकिन उनका डेवलपमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाता है, उनमें डिफरेंट एनवायरमेंट और ज्योग्राफिकल एरिया के अनुसार अडेप्टेशन आते जाते हैं, चेंजेस आते जाते हैं और वो डिफरेंट नजर आने लगते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अडप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो डार्विन की जो फिंचेज है वो अडप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में होने के बावजूद जो फिंच बर्ड्स हैं उनकी बीक के अंदर वेरिएशन पाए गए, उनके फीडर के अंदर वेरिएशन पाए गए। इसी तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मार्सुपियल्स जो मैमल्स हैं तो उनके अंदर भी काफी सारे डिफरेंसेस देखे जाते हैं, जबकि वो एक ही एरिया में, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में, एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर रह रहे हैं लेकिन फिर भी उनमें अलग अलग अडेप्टेशन आ गए हैं जो कि अडेप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको इवोल्यूशन के पैटर्न को बताया था, कल मैं समझाया था, एक बार रिपीट कर देता हूँ। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन्स का जो अपन ने पहले टॉपिक डिस्कस किया था तो वो भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है बच्चों, के कई सारे ऑर्गेनिज्म जिनका एंसेस्टर, जिनके एंसेस्टर सेम है, उनका ओरिजिन एक ही एंसेस्टर से हुआ है, उनके बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्लान जो है सेम है लेकिन वो अपने फंक्शंस में, अपने अडेप्टेशंस में डिफरेंट हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होते हैं। ओरिजिन एक ही पॉइंट से हुआ लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर अडेप्टेशंस आते गए और उनमें इवोल्यूशन हो गया, उनमें चेंजेस आ गए, तो दिस इज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो जो होमोलोगस ऑर्गन्स के कॉन्सेप्ट को हमने समझा था, दैट वाज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसके अलावा डार्विन की फिंचेस का एग्जांपल दे सकते हैं। एंड बच्चों आप एक और एग्जांपल है वो है मार्सुपियल्स का, ऑस्ट्रेलियन जो मार्सुपियल मैमल्स हैं दे आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ अडप्टिव रेडिएशन। सेकंड लेते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यस। द नेक्स्ट वन इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। व्हाट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बच्चों, इन प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एनालॉगस ऑर्गन्स, उनमें हमने ये देखा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है लेकिन कई सारे जो एनिमल हैं या ऑर्गेनिज्म है वो अपने फंक्शंस में सिमिलैरिटी शो करते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो एनालॉगस ऑर्गन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल द विंग्स ऑफ बर्ड्स के जो विंग्स हैं, इंसेक्ट के जो विंग्स हैं एंड बैट के जो विंग्स हैं, तीनों का ही जो फंक्शन है वो फ्लाइंग करना है, उड़ना है लेकिन उनकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो ये क्या शो करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है कि ओरिजिन अलग अलग एंसेस्टर से हुआ लेकिन बाद में उनमें सिमिलैरिटी आ गई ड्यू टू द अडेप्टेशन, ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन देयर फंक्शन। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट लेते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। देखो नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन कैसे कैसे, यू समझो आप कि एक कॉन्टिनेंट है उस पर कोई एनिमल की जो स्पीसीज है या कोई क्लास है वो डेवलप हो रही है और एट द सेम टाइम किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में भी कोई दूसरी स्पीसीज है उनके अंदर भी वैसे ही डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, पैरेलल इवोल्यूशन कहलाता है। जबकि ज्योग्राफिकल एरिया अलग है, कंडीशंस अलग हैं, लेकिन उनमें पैरेलल जो चेंजेस हैं वो एक जैसे देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी एनसीईआरटी बुक को आज ओपन करना बच्चों और वहां पर अडप्टिव रेडिएशन के बाद में नेक्स्ट पेज पर एक डायग्राम है, उस डायग्राम के अंदर एक तरफ तो प्लेसेंटल मैमल्स बताए जो एशिया में पाए गए और दूसरी उसी डायग्राम में मार्सुपियल मैमल्स बताए गए हैं, तो कंपैरिजन बताया गया है एक तरफ मार्सुपियल मैमल्स को और एक तरफ प्लेसेंटल मैमल्स को,
तो उनमें सिमिलैरिटी बताते हुए बताया गया कि ये देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये मार्सुपियल डेवलप हुए और एट द सेम टाइम एशिया के अंदर ये इस तरीके के जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं उनका इवोल्यूशन हुआ, उनका डेवलपमेंट हुआ। तो ये क्या शो करता है, पर्ल दो अलग अलग स्पीसीज को, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जो क्लासेज हैं, क्लास तो सेम ही होगी, मेमेलिया होगी, लेकिन जो अलग अलग स्पीसीज है उनका इवोल्यूशन इक्वली हो रहा है, सेम हो रहा है, एट द सेम टाइम हो रहा है। तो दिस इज द पैरेलल इवोल्यूशन। तो प्लेसेंटल मैमल्स एंड मार्सुपियल जो मैमल्स हैं उनका जो इवोल्यूशन है वो पैरेलल इवोल्यूशन को शो करता है। दिस शोज द पैरेलल इवोल्यूशन। अंडरस्टूड बच्चों? नेक्स्ट लेते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचिंग डिसेंट। बच्चों ब्रांचिंग डिसेंट नेचुरल सिलेक्शन के साथ में बताया गया कि ब्रांचिंग डिसेंट क्या है। क्या होना कि एंसेस्टर सेम होना और उनके कई सारे जो है ब्रांचेस के अंदर नई जनरेशन का इवोल्यूशन होना, डेवलपमेंट होना। यानी कि आप यूं समझ लो कि आपके मान लो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडमदर हैं, उनके मान लो बच्चे, यानी कि आपके जो फादर हैं, आपके अंकल हैं, आपके जो आंटी हैं, ये सब क्या है उनके बच्चे हो गए और फिर उनकी फैमिलीज आगे ग्रो होगी तो उनका सबका अलग अलग लिविंग स्टैंडर्ड रहा उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग, उनकी सिटी या सराउंडिंग एरिया के अकॉर्डिंग, तो उनमें अलग अलग जो है डिफरेंसेस डेवलप हुए। तो यहाँ पर ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब है कि ओरिजिन एक ही एंसेस्टर से होना लेकिन बाद में जो फर्दर जनरेशन में अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से उनमें इवोल्यूशन आ जाना, उनमें चेंजेस आ जाना, तो ये क्या कहलाता है, ब्रांचिंग डिसेंट कहलाता है। कल बच्चों मैंने आपको म्यूटेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। बच्चों डार्विन ने क्या कहा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने कहा कि जो इवोल्यूशन है वो एक स्लो प्रोसेस है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। जो चेंजेस आते हैं वो धीरे धीरे आते हैं, वो एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, उनमें कई साल लगते हैं और फिर जाके एक स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है। जबकि म्यूटेशन थ्योरी के अंदर हुगो डी ब्रीज ने कहा नो, ऐसा नहीं होता, जो इवोल्यूशन है वो सडनली होता है, अचानक हो जाता है और न्यू एक स्पीसीज का इवोल्यूशन हो जाता है। उन्होंने इसको म्यूटेशन कहा। उन्होंने कहा कि जो सडन एंड परमानेंट चेंज होते हैं डीएनए के अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर या नाइट्रोजन बेसिस के अंदर हम कह सकते हैं, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं और वो सडनली अचानक ही एक नई स्पीसीज को इवॉल्व करता है और इसमें बहुत ही कम समय लगता है, ऐसा हुगो डी ब्रीज ने कहा। तो उन्होंने कहा सॉल्टेशन। उन्होंने क्या कहा बच्चों, सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ओके बच्चों, सिंगल स्टेप एंड लार्ज म्यूटेशन के झटके से अचानक से ही एक म्यूटेशन हो जाना, चेंज आ जाना और बड़ा बदलाव आ जाना, चेंजेस आ जाना, ठीक है। और बच्चों यहां पर एक नई डेफिनेशन है, एक स्पेशिएशन। व्हाट इज स्पेशिएशन, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको कल 10th में भी ये टॉपिक है स्पेशिएशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में आपने जहां भी पढ़ा पढ़ा होगा। व्हाट इज स्पेशिएशन, द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीसीज, द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड स्पेशिएशन। नई जाति का बनना, उत्पन्न होना, ओरिजिन होना, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेशिएशन कहते हैं। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट था अब तक का। नेक्स्ट लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हाँ जी, नेक्स्ट लेते हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी
हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हाँ हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में ये कॉन्सेप्ट बताया गया कि हर ऑर्गेनिज्म में, इन ईच ऑर्गेनिज्म, उनकी सेल के अंदर जो एलील्स हैं, एलील्स आप समझते हो जीन की जो कंट्रास्टिंग फॉर्म है, जीन की जो कंट्रास्टिंग फॉर्म है उन्हें हम एलील कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो एलील की जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके बच्चों, हर ऑर्गेनिज्म के एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो जीन का नंबर है, जो एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। और वो ये शो करती है, कांस्टेंट रहने का मतलब है उसमें चेंजेस नहीं आए हैं, उनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो इसे हम कहते हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। इसको यूं समझ सकते हैं, इसको यूं समझ सकते हैं कि मान लो एक एलील है ए, एक एलील क्या है ए है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्रोमोसोम में पी हो सकती है, क्या हो सकती है पी, ठीक है। और मान लो कोई एलील है स्मॉल ए, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है क्रोमोसोम में क्यू हो सकती है। यानी कि मैं आपको यूं बता दूं कि जो एलील ए है, कैपिटल ए है, वो किसी क्रोमोसोम के जो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब हमारे अंदर जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो दोनों क्रोमोसोम पर पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसको हम पी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, पी से। यानी कि जो एलील ए है उसकी दोनों क्रोमोसोम पर पाए जाने की संभावना है, एक पर भी पाया जा सकता है और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर वो पाए जा सकते हैं। तो एलील ए की फ्रीक्वेंसी को हम पी से शो करेंगे और स्मॉल ए जो एलील है इसकी फ्रीक्वेंसी को क्यू से शो करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं एलील, और ये भी एलील है, ओके बच्चों, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, प्रोबेबिलिटी है, मैथ में पढ़ते हैं आप, संभावना दोनों क्रोमोसोम पर पाए जाने की, तो बच्चों मैं इसको यूं लिख दूं, इसको यूं लिख दूं, मैं ओपन कर लेता हूं कि जैसे मान लो जो एलील ए है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं ऐसा मानूं कि जो कैपिटल ए एलील है दोनों क्रोमोसोम पर पाया जा सकता है, तो इसको मैं पी स्क्वायर कर दूं, ये गलत नहीं है, पी स्क्वायर। और अगर जो स्मॉल ए है तो इसको मैं क्यू स्क्वायर कर दूं, ये भी दोनों क्रोमोसोम के ऊपर पाया जा सकता है, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर पाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको मैं क्यू स्क्वायर कर देता हूं, क्लियर है आपके पास। अब बच्चों मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, एज यू लर्न इन योर 9th और 10th क्लास, वॉट एवर जो भी आपकी क्लास में आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इसको मैं अगर ओपन करूं तो ऐसे ही ओपन होगा, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्या होगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया कि जो एलील ए है उसकी फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर हो सकती है, एलील स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्यू स्क्वायर हो सकती है। अगर अपन इसके इसको फॉर्मूले में फ्रेम करें तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यानी कि हार्डी वीनबर्ग के प्रिंसिपल में ये बताया गया कि जो एलील की जो फ्रीक्वेंसीज हैं
वो कांस्टेंट रहेगी और इनका जो एंड रिजल्ट है वो वन आएगा, कांस्टेंट रहने पर क्या आएगा, वन आएगा। तो ये हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल है और इसे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, विनबर्ग इक्वी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम में चेंज आना। हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम में चेंज आना, जीन की या एलील की फ्रिक्वेंसी में चेंज आना, इट शोज इवोल्यूशन। हार्डी मान लो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जीन या एलील में चेंजेस आए, उनकी फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आए हैं, इट शोज द इवोल्यूशन। ये किसको शो करता है, इवोल्यूशन को शो करता है, चेंजेस को शो करता है। समझ में आगे बात। तो अगर कॉन्स्टेंट नहीं है, वन नहीं आ रहा है इसका रिजल्ट, तो फिर क्या होगा, ये इवोल्यूशन को शो करेगा। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। यस बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, अब इसमें मैं फैक्टर्स लिख देता हूं, फिर इसको इलेबोरेट करेंगे। फर्स्ट है जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। ओके बच्चों, सेकंड हम लेते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, थर्ड हम लेते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन। फोर्थ लेते हैं म्यूटेशन, म्यूटेशन। और फिफ्थ लेते हैं बच्चों नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। ध्यान से देखिए बच्चों इस टॉपिक को। हाँ, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। Now the next point is factors affecting Hardy-Weinberg equilibrium. अगर Hardy-Weinberg का जो equilibrium है वो अगर same चल रहा है, constant है, तो कोई changes नहीं है, कोई evolution नहीं show होगा, ठीक है। अगर उसमें कोई change है तो evolution को show करेगा। अब कौन कौन से factor है, first लेते हैं gene migration और gene flow। मैं एक बार बोल भी देता हूँ, second है genetic drift, थर्ड है जीन रिकॉम्बिनेशन, फोर्थ इज द म्यूटेशन एंड फिफ्थ इज द नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज जीन माइग्रेशन बच्चों, किसी एरिया के अंदर एक पॉपुलेशन है किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी स्पीसीज की एक पॉपुलेशन है, और क्या हुआ कि उस पॉपुलेशन में से कुछ ऑर्गेनिज्म कहीं और शिफ्ट हो गए, किसी और जगह शिफ्ट हो गए, तो इस जो जो प्रीवियस पॉपुलेशन है वहां से वो मूव हो गए, उनके अंदर जो जीन है
वो वहां से शिफ्ट हो गए, न्यू हो गए, वहां से लॉस हो गया उनका, और जो नई पॉपुलेशन है जिसमें वो अब रह रहे हैं वहां उनके जीन जो है ऐड हो गए। तो इसे हम क्या कहते हैं, जीन माइग्रेशन कहते हैं। सपोज करो अपने बीकानेर से आपकी फैमिली में से कोई ऐसी, आपके ब्रदर या कोई ऐसी फैमिली है जो कि मुंबई शिफ्ट हो गई, तो और उनकी पूरी पीढ़ी वहीं रही और फिर उनके बच्चे भी वहीं सेटल हो गए क्योंकि उनका वहीं बर्थ हुआ, वहीं के एनवायरमेंट में वो पले बड़े, तो यहाँ से वो एक तरीके से कट हो गए। तो अब क्योंकि वो वहां रह रहे तो नेचुरली उनके जो रिलेशन हैं, शादियां वगैरह हैं, वो भी वहीं होंगी, तो वहां नए रिलेटिव्स बनेंगे और एक नया परिवार वहां बढ़ेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि वो यहाँ से चले गए तो उनके अंदर जो कैरेक्टर है, उनके अंदर जो जीन है, वो यहाँ से रिमूव हो गए। अब मुंबई की पॉपुलेशन में वो रह रहे हैं, वहां उनके नए रिलेटिव्स बन गए, तो वहां की जो पॉपुलेशन है उनमें उनके जीन इनकॉर्पोरेट हो गए। तो ये क्या हुआ, जीन माइग्रेशन हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, जीन माइग्रेशन कहते हैं। और इससे हार्डी वीनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है वो अफेक्ट होता है। इसे हम जीन फ्लो भी कहते हैं। कब कहते हैं जीन फ्लो, कि अगर ये रिपीटेड होता है, बार बार होता है, अगर जीन माइग्रेशन बार बार हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीन फ्लो। इसे हम क्या कहते हैं, जीन फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। बच्चों आपको पता ही है कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है। एक जनरेशन के ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। समझ में आ गई बात। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है कि ये जो जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन हुआ है, जीन का जो लॉस हुआ है, ठीक है ना, ये अगर सडनली होता है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कोई भी कारण से हो सकता है, तो फिर इस कंडीशन में इसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन। बच्चों लास्ट ईयर आपने सेल डिवीजन को पढ़ा होगा, आपने मियोसिस को पढ़ा होगा, आपने देखा कि जो मियोसिस फर्स्ट है उसकी जो पैकाइटिंग फेज होती है, वहां पर जो प्रोफेज फर्स्ट की जो पैकाइटिंग फेज है वहां पर जो है जब मियोसिस होता है तो उनमें क्रोमोसोमल सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं। तो सेल डिवीजन के समय, गैमेट फॉर्मेशन के समय क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है और नए जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है। री यानी कि दोबारा कॉम्बिनेशन होना, तो न्यू जीन्स जो है वो रिकम्बाइन होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो नए जीन का कॉम्बिनेशन से जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनमें चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट लेते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन आप पहले ही समझ चुके हैं कि सडन एंड परमानेंट चेंज होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड बेस के अंदर, एलील्स के अंदर, जीन्स के अंदर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। इसके कारण से भी क्या होता है, हार्डी वीनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म या जो स्पीसीज जो है अगर सुपीरियर है और वो अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को अडप्ट कर लेती है, अच्छे से अडप्ट कर लेती है, सरवाइव कर जाती है, तो उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो जीन है वो बने रहते हैं अगली जनरेशन में भी। यानी कि नेचर जो है वो सेलेक्ट कर लेती है सुपीरियर को, फिटेस्ट को, और जो इंफीरियर एनिमल हैं, इंफीरियर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को अडप्ट नहीं कर पाए हैं, तो वो धीरे धीरे मारे जाते हैं, सिस्टम से रिमूव हो जाते हैं, तो उनके साथ उनके अंदर जो एलील या जीन है वो भी रिमूव हो जाते हैं। यानी कि जो नेचर है वो सुपीरियर को ही सिलेक्ट करती है, फिटेस्ट को ही सिलेक्ट करती है, वो सर्वाइव करता है अभी कई जनरेशन तक। तो इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा भी जो है हार्डी वीनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है वो अफेक्ट हो सकता है और एक टाइम के बाद में आपको टोटली एक डिफरेंट न्यू स्पीसीज देखने को मिल सकती है। ओके बच्चों, तो एक बार आप देख लें, इन पॉइंट्स को देख लें, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आप इसको देख लें एक बार। और ये प्रिया पुरोहित बेटा रेगुलर रहा करो आप, हाँ रेगुलरिटी रखो क्लास के अंदर, रेगुलर रहोगे समझ में आएगा नो डाउट। चलिए अब बच्चों बात करते हैं फाउंडर इफेक्ट की। फाउंडर इफेक्ट
और फाउंडर स्पीसीज। यस बच्चों, फाउंडर इफेक्ट क्या है या फाउंडर स्पीसीज क्या है, ध्यान से सुने और समझे आप। बच्चों सबसे पहले जो ओरिजिनली जो ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, सॉरी जो ओरिजिनली ड्रिफ्टेड जो स्पीसीज होती है जिनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण से या कोई भी जेनेटिक चेंजेस के कारण से इवोल्यूशन होता है, तो उसे हम फाउंडर स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फाउंडर स्पीसीज कहते हैं। और इस इफेक्ट को हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। दोबारा सुन लीजिए, हार्डी विनबर्ग के प्रिंसिपल या इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने से, चेंज होने से, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण से या और कोई रीजन से जो भी जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं और उससे जो नई स्पीसीज इवॉल्व हो रही है उसे हम फाउंडर स्पीसीज कहेंगे। और इस इफेक्ट को हम कहेंगे फाउंडर इफेक्ट। क्या कहेंगे? फाउंडर इफेक्ट कहेंगे। ओके बच्चों, तो ये ध्यान रखना आप। बच्चों एक लेबोरेटरी के अंदर, आप देखें अगर एक कल्चर प्लेट के अंदर कुछ बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, तो उन पर जब बार बार किसी एंटीबायोटिक को अप्लाई किया जाता है तो कुछ ही दिनों में वो उनमें से कुछ ऐसी बैक्टीरियल स्पीसीज होती है जो कि रजिस्ट हो जाती है उन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, और वो इवॉल्व हो जाती है और रजिस्ट्री हो जाती है। तो ये एक इवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है जो थोड़े से दिनों में हो गया है। ओके बच्चों, अब मैं बात करूंगा कि बच्चों वैसे मुझे अब एक नया टॉपिक लेना है जो कि नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है कि ये किस वे में होता है, डायरेक्शनल होता है या फिर डिस्ट्रप्टिव होता है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक अपन कल करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमने सबसे पहले पढ़ा कि लाइफ क्या है, लाइफ के बाद में हमने ये पढ़ा कि यूनिवर्स कैसे बना, अर्थ कैसे बनी, इनिशियल अर्थ की कंडीशन क्या क्या थी, कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज दी जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बताई गई, ठीक है। अलग अलग थ्योरीज दी गई, स्पॉन्टेनियस थ्योरी दी गई, स्पेशल क्रिएशन थ्योरीज दी गई, ठीक है। बाद में फिर ओपेरिन एंड हेल्डेन ने ये एक्सप्लेन किया कि नहीं, जो इवोल्यूशन हुआ है वो केमिकली हुआ है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया एसएल मिलर और उरे ने 1953 के अंदर। फिर हमने बच्चों बात की कि कौन कौन से ऐसे एविडेंसेज हैं जो कि इवोल्यूशन को बताते हैं, तो बहुत सारे मैंने एविडेंसेस बताए थे, एम्ब्रियोलॉजिकल बताए थे, एनाटॉमिकल एविडेंसेस बताए थे, एंथ्रोपोजेनिक बताए थे। तो इन सबको आप पहले एनसीईआरटी बुक से पढ़ें, फिर मैं आपको एक दो दिन में जैसे ही नोट्स कंप्लीट होते हैं तो मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, तो आप रीड करें तो आपको वो इलेबोरेटेड मिलेंगे और बढ़िया से आपको समझ में आएंगे वो, ठीक है बच्चों। तो काफी सारे जो 8 या 9 मैंने एविडेंसेस बताए थे जो कि ये प्रूफ करते हैं कि इवोल्यूशन नेचुरली हुआ है और हम सबका जो हम सबके जो एंसेस्टर हैं वो सेम ही थे, शायद हम एक ऐसी सेल से इवॉल्व हुए हैं जो सबके लिए सेम थी। ओके बच्चों, इसके बाद में बच्चों हमने थ्योरीज को डिस्कस किया जो कि लेमार्क की थ्योरी, द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में थी। लेमार्क ने बताया कि लाइफ जीने के दौरान जो कैरेक्टर्स एक्वायर किए जाते हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, और जो कैरेक्टर एक्वायर नहीं होते या जो ऑर्गन्स यूज नहीं होते वो धीरे धीरे जो है डिसअपियर हो जाते हैं। ये लेमार्क की थ्योरी थी जो कि पूरी तरीके से सही नहीं थी। ऑगस्ट वीजमान ने इसको रिजेक्ट किया, उन्होंने माइस की 21 जनरेशन तक जो है उनके टेल को कट किया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो न्यू माइस है वो विदाउट टेल वाला हो, टेल लेस हो। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देन फिर ऑगस्ट वीजमान ने बताया कि जर्म प्लाज्म थ्योरी के अंदर के जो जर्म प्लाज्म में जो चेंजेस होते हैं वही अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। जो वेजिटेटिव पार्ट है, जो सोमेटिक पार्ट है लिविंग बीइंग का, वहां पर कोई एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो चेंज आ रहा है वो अगली पीढ़ी में जनरेशन जो है नहीं जाता। मान लो आज अगली जनरेशन में नहीं ट्रांसमिट होता, मान लो आज अपने में से कोई इंग्लैंड शिफ्ट हो जाए या ऐसी जगह शिफ्ट हो जाए जहाँ क्लाइमेट पूरे साल ही ठंडा क्लाइमेट रहता है, तो नेचुरली बच्चों धूप की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होने से जो हमारी स्किन का कलर है वो थोड़ा सा गोरा हो जाएगा, फेयर हो जाएगा, हम ज्यादा जो हमारे चेहरे पर रेडनेस नजर आएगी, आप कश्मीर में देख सकते हैं, लोगों में यूरोप के अंदर देख सकते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कैरेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होगा, क्योंकि वो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हुआ है। अगर ऐसा होता तो वेस्ट इंडीज के जो लोग हैं वो फिर इंग्लैंड आके बस जाते और वो अपने स्किन के कलर को चेंज कर लेते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। स्किन का कलर भी जेनेटिक होता है, वो हमारी सेल्स के अंदर जो जीन है उन्हीं के द्वारा कंट्रोल होता है। ओके बच्चों, तो फिर बाद में डार्विन ने ये बताया नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में, कि लिविंग बीइंग के अंदर जीवन जीने के दौरान कंपटीशन होता है। इस ये कंपटीशन फूड के लिए हो सकता है, रहने के स्थान के लिए हो सकता है, या और किन्हीं जरूरतों के लिए हो सकता है। तो इस कंपटीशन के अंदर जो सुपीरियर होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जो फिटेस्ट होता है, वो सर्वाइव करता है, और जो कमजोर होता है, इंफीरियर होता है, वो सिस्टम से रिमूव होता चला जाता है। और नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जो चेंजेस बने रहते हैं किसी स्पीसीज में या किसी ऑर्गेनिज्म में, वो फिर अगली जनरेशन में भी ट्रांसमिट होते हैं। जो इंफीरियर कैरेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं उस इंफीरियर एनिमल या इंफीरियर ऑर्गेनिज्म के साथ ही। तो ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने एक्सप्लेन किया। ओके बच्चों, तो ये कुछ एक थ्योरीज थी। रिमेनिंग पार्ट अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको यदि कोई डाउट है तो हैंड रेज कर लें आप। हाँ।